तो हाँ, क्या आपका बजट 10,000 है और आपको अपने लिए बेस्ट एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन बाय करना है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। लेकिन वैसे तो 10,000 के अंदर में ज्यादातर फोन आईपीएस डिस्प्ले के साथ ही आते हैं, लेकिन मैंने काफी एक्सप्लोर करने के बाद आपके टॉप 3 बेस्ट एमोलेड फोन पे के अंडर 10 के। और इन सारे स्मार्टफोन के अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले के साथ साथ अदर भी काफी सारे कमाल के स्पेसिफिकेशन मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और 8 नंबर पे आता है मोटो G42 और इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले के साथ साथ यूजर एक्सपीरियंस और डिजाइन भी काफी अच्छा मिल जाता है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में और स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। तो इसमें आपको 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, बट इसके डिस्प्ले में आपको कोई फास्ट रिफ्रेश रेट नहीं दिया गया है, जिससे इसका डिस्प्ले यूज करने में उतना स्मूथ फील नहीं होता है। बट इसके डिस्प्ले की क्वालिटी एक्चुअली में काफी इंप्रेसिव है और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को और इनहेंस करने के लिए इसमें आपको डुअल स्पीकर भी दिया गया है। और उसके अलावा इसमें आपको 700 नीट्स की पीक ब्राइटनेस और G3 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। और इसके साइड में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और इसके बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 5000 मिली एम्पीयर की बैटरी दी गई, जो सपोर्ट करती है 20 वाट के टाइप सी चार्जर को, जो इस डिवाइस को फुल चार्ज करने में ऑलमोस्ट 2 घंटे का समय ले लेगा। बट एक बार फुल चार्ज होने पे आपको आराम से 1 दिन का बैटरी बैकअप भी मिल जाएगा। और इसके चिपसेट की बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 680 का 4G चिपसेट दिया गया, जो एक 6 NM बेस प्रोसेसर है। और 250,000 के आसपास इसका एंथेटो स्कोर देखने को मिल जाता है। और डे टू डे यूसेज में यह प्रोसेसर काफी स्मूथ काम करता है, बट एक्सट्रीम गेमिंग के लिए मैं आपको ये प्रोसेसर बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। और इसके कैमरा पे आए तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 का मैक्रो। और सामने की ओर आपको पंच होल में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर दी गई है। तो देखो, प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका कैमरा आपको निराश नहीं करेगा, जिससे आप इसके मेन कैमरा और इसके सेल्फी से दिन के समय अच्छी पिक्चर्स और वीडियो ले पाओगे। और आप इसके बैक और फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 1080p पे 30 fps पे वीडियो शूट कर पाओगे। और इसके कुछ बेसिक फीचर्स की बात करते हैं, इसमें आपको बहुत जल्द एंड्रॉइड 13 का अपडेट मिलने वाला है और इसमें आपको IP52 ग्रेटिंग और ट्रिपल कार्ड स्लॉट भी दिया गया है। और फाइनली बात करें इसके प्राइसिंग की तो इसके 464 का प्राइस 10,000 पड़ता है फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो चलिए अब इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सेकंड नंबर पे आता है 10,000 के अंदर इन्फिनिक्स का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन इन्फिनिक्स नोट 12i। और इसमें आपको दी गई है 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले और 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट और 1000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है। और इसके साइड में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। तो इसमें आपको 6.67 इंचेस की बड़ी डिस्प्ले दी गई, जिसकी डिस्प्ले क्वालिटी एक्चुअली में काफी इंप्रेसिव है, जिसमें आपको मल्टीमीडिया वॉच करने में काफी मजा आने वाला है। और मल्टीमीडिया को लंबे देर तक एंजॉय करने के लिए इसमें आपको 5000 मिली एम्पीयर की बैटरी दी गई, जो सपोर्ट करती है 33 वाट के फास्ट चार्जर को। और इसके चिपसेट की बात करें तो इसमें आपको हीलियो G85 का प्रोसेसर दिया गया है और 2 लाख के आसपास इसका एंथेटो स्कोर देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको 3GB का वर्चुअल रैम भी दिया गया है और आप इसके ऊपर नॉर्मल गेम्स को आसानी से रन भी कर पाओगे। और इसके कैमरा पे आए तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और VGA सेंसर दिया गया है। और सामने की ओर आपको यू नॉच पे 8 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर दी गई है और आप इसके बैक और फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 2K 30 fps पे वीडियो शूट कर पाओगे। इसके बाकी कैमरा तो किसी काम के तो नहीं है, बट इसका मेन कैमरा और इसकी सेल्फी आपको निराश नहीं करेगी। और इसके कुछ बेसिक फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 3.5 mm हेडफोन जैक और डुअल स्पीकर दिया गया है और इसमें आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट भी दिया गया। और फाइनली बात करें इसके प्राइसिंग की तो इसके 464 का प्राइस 9500 पड़ता है फ्लिपकार्ट के ऊपर। और मेरे से लिस्ट पे फर्स्ट नंबर पे आता है Realme 10 4G और इसमें आपको 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई, जिसपे काम करती है 90 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और उसके अलावा इसमें आपको 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट और 1000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस और G5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। तो डिस्प्ले वाइज ये फोन एक्चुअली में काफी इंप्रेसिव है, जिसपे आप मल्टीमीडिया को काफी अच्छे से एंजॉय कर पाओगे और 90 हर्ट्ज भी काफी स्मूथ और स्टेबल काम करता है। और मल्टीमीडिया को लंबे देर तक एंजॉय करने के लिए इसमें आपको 5000 मिली एम्पीयर की बैटरी दी गई, जो सपोर्ट करती है 33 वाट के फास्ट चार्जर को। और इसके चिपसेट की बात करें तो इसमें आपको हीलियो G99 का गेमिंग प्रोसेसर दिया गया है, जो एक 6 NM बेस प्रोसेसर है और ये प्रोसेसर काफी पावरफुल है, जिसका एंथेटो स्कोर 3,80,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। और आप इसके ऊपर कोई भी गेम लाइक PUBG और COD को मीडियम टू हाई सेटिंग पर रन कर पाओगे। और इसके कैमरा की बात करें तो इसके बैक साइड में आपको डुअल कैमरे का सेटअप दिया गया, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 2 का डेप्थ। और सामने की ओर आपको पंच होल में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर दी गई है और आप इसके बैक और फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 1080p पे 30 fps पे वीडियो शूट कर पाओगे। तो देखो, इसमें आपको शो ऑफ के लिए ज्यादा कैमरा सेंसर तो नहीं दिया गया है, बट जो भी दिया गया वो एक्चुअली में काफी अच्छा काम करता है और फ्लिपकार्ट के
ऊपर इसके कैमरा को अच्छी रेटिंग भी दी गई है। और फाइनली बात करें इसके प्राइसिंग की, तो इसके 464 का प्राइस तो वैसे 11,000 पड़ता है, लेकिन बैंक ऑफ अप्लाई करने के बाद आप इस डिवाइस को सिर्फ 10,000 रुपये बाय कर पाओगे।